पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, चुनाव तक नहीं हो सकेगी फिल्म रिलीज। लोकसभा चुनाव में कुछ ही घंटों का समय बचा है, इसी बीच चुनाव आयोग के बीजेपी के प्रति दया खत्म हो गई है। पहले नमो टीवी के प्रसारण पर चुनाव आयोग की टेढ़ी निगाह और अब पीएम मोदी के जीवन पर बनने वाली बायोपिक पर इसी की रोक ने चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने नमो टीवी को एक राजनीतिक विज्ञापन कहा और सिर्फ इतना ही नहीं, आयोग ने चैनल पर चलने वाले सभी विज्ञापनों को पहले चुनाव आयोग की कमेटी को दिखाने का आदेश दिया है। यूं तो पीएम मोदी पर बनने वाली बायोपिक पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पिछले एक हफ्ते से फिल्म की रिलीज को लेकर भारी उठापटक चल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को क्लीन चिट देने के साथ 11 अप्रैल को रिलीज की मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की बायोपिक पर आड़ंगा लगा दिया है। फिल्म में विवेक ओबेरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका निभा रहे हैं। चुनाव आयोग ने मोदी बायोपिक समेत ऐसी किसी भी फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है जिसका संबंध राजनीतिक से हो और उसका असर चुनाव पर पड़ता हो। चुनाव आयोग ने बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया या सिनेमा के दूसरे माध्यम पर भी दिखाने की मना कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है जो इस मामले की गहराई से जाँच करेगी। आयोग ने सख्त रुख इख्तियार कर चुनाव तक पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक को रिलीज पर रोक लगा दी है। पीएम मोदी पर बनने वाली फिल्म पर तमाम विपक्षी दलों ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए रिलीज रोकने की मांग की थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने गंभीर आरोप लगाए हुए कहा था कि किसी फिल्म की रिलीज से 58 दिन पहले फाइनल कॉपी सेंसर के पास भेजी जाती है, ऐसे में प्रधानमंत्री पर बनी फिल्म को कैसे विशेष रियायत दी गई? पीएम मोदी की बायोपिक कैसे 39 दिन में बनकर तैयार हो गई? मनसे ने सेंसर चीफ से इस्तीफे की भी मांग की थी। तमाम विपक्षी पार्टियों का मानना है पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक का चुनाव के दिनों में रिलीज होना वोटर्स को बीजेपी की ओर आकर्षित करना है। फिल्म में कंटेंट को लेकर विवाद के चलते मूवी की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन फिल्म की रिलीज पर लगी रोक के बाद अब नई रिलीज डेट का इंतजार करना होगा।